जय भीम। एक महत्वपूर्ण विषय को लेके अचानक से मुझे लाइव आना पड़ा और मैंने सूचना पेज से डलवा दी थी कि आपको पता लग जाए कि मैं लाइव। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए और जो नायक महानायिकाएं हुए हैं बहुजन समाज की, उनको भी नमन करते हुए आज मैं नायक नायिकाओं महापुरुषों का नाम इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आज बड़ी तकलीफ में हूं और तकलीफ आपसे बयां करनी पड़ेगी। रात को इतनी देर रात आपसे बात इसलिए करनी पड़ रही है कि कल तक चीज़ें खराब ना हो जाए, इसलिए आपसे बात करनी पड़ रही है। तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद अपने आपको स्वयं में बड़ा बहादुर खुद को समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि भीम आर्मी भी बहुत ताकतवर है, बहादुर लोगों की एक संगठन टीम है, लेकिन कभी कभी सिस्टम जो है एहसास कराता है कि नहीं, हम बहादुर नहीं हैं और संविधान और ये लोकतंत्र कानून व्यवस्था ये सब कहने की बातें। गुलाम भारत में जो वंचित वर्ग के लोगों को सहना पड़ा, आजाद भारत में भी वो सहना पड़ रहा है जो पिक्चरों में हमने कभी देखा था कि भाई कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब की कहानियों में अगर आप देखा गरीब की बेटी को उठा ले जाता है, परिवार थाने कचहरी के चक्कर लगाता है, न्याय की गुहार लगाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती, सब लोग मिलके परिवार को ही दबाने का काम करते हैं, फिर परिवार टूट जाता है, पता लगता है कि बच्चे के जो पीड़िता की माँ थी उसने उसको उसकी तब वो उसकी डेथ हो जाती है, पिता अपने आप सुसाइड कर लेता है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ पिक्चरों में आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, मैंने भी देखी है। लेकिन आज जो बात है, एक लगभग ऐसी कहानी आज मेरे सामने आई, आपसे बतानी पड़ेगी, आपके जरिए जिन लोगों तक संदेश पहुंचाना उन तक भी पहुंच जाएगा। कहानी सुनाता हूं, कहानियों का दौर चल रहा है ना, तो कहानी आपको सुनाता हूं हुआ क्या है। एक पत्र भी है उसको भी सुनाऊंगा। घटना है 8/12/2021 की, 8 दिसंबर 2021, उन्नाव जिले में। एक बेटी है, अमर्तिका हो चुकी है, 22 वर्षीय, काल्पनिक नाम आप कुछ भी ले लें, उसको एक ताकतवर उन्नाव के पूर्व एक पार्टी के राज्य मंत्री, उनके बेटे हैं रजोल सिंह, अरुण कुमार सिंह और रजोल सिंह, अब वो उसको ले जाते हैं उठाकर। घटना कब की है? 8/12/2021 की। दूसरी खबर के अनुसार 10 जनवरी को, यानी कि 1 महीना 2 दिन के बाद FIR हुई है रजोल सिंह जी के खिलाफ। रजोल सिंह बड़े मंत्री जी के बेटे हैं, बाहुबली मंत्री जी, अब तो शायद नहीं रहे हैं, उनके बेटे हैं, मतलब ताकतवर आदमी हैं। 1 महीना 2 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है 10 जनवरी को। लगभग 62 दिन बाद आज उस बेटी का शव मिला है, लगभग 3 बजे। कहने को ज्यादा कुछ नहीं है, हमने हाथरस देखा,
उन्नाव देखा, प्रयागराज देखा, आगरा देखा। चुनाव समर चल रहा है, लोगों के लिए चुनाव का समर है, वोटों का नफा नुकसान है, भाई यही हमसे नहीं आता है। चंद्रशेखर आजाद से यही नहीं नहीं आता चुनावी नफा नुकसान, ना वो उसको देखना चाहते ना उसको दिखाई देता है। बहुजन आंदोलन के सिपाही हैं, बहनों की सम्मान सुरक्षा की गारंटी लेके घूमते हैं। कहानी का कुछ और हिस्सा भी बताऊंगा, बस कहानी को डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। 8 दिसंबर को बच्ची को अगवा किया गया, माँ ना हाथ पैर जो है मारती रही, चप्पल घिसकी उसकी, जाके थाने में मुकदमा दर्ज हो जाए, कोई जानकारी मिल जाए, नहीं मिली। 10 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों दर्ज हुआ, क्योंकि पीड़िता की माँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के घर गई मिलने के लिए, और उसने प्रयास किया कि वो बेटी मिल जाए, नेताजी के गनर्स वगैरह ने नहीं मिलने दिया गया, बकौल पीड़िता के जो माँ है उनके, उन्होंने बताया। तो उन्होंने लखनऊ में आत्महत्या करने का प्रयास किया। अखबार की खबर कहती है, पीड़िता की माँ ने कहा है, आत्महत्या की कोशिश ना करती दब जाता मामला। ये 1 फरवरी को छपा हुआ है, यानी कि 10 जनवरी के बाद भी रिपोर्ट तो दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आठ दिसंबर, 10 जनवरी, 1 फरवरी के लगभग, यानी कि 31 जनवरी के लगभग, 30 जनवरी करीब उन्होंने प्रयास किया होगा, तब 1 फरवरी को खबर छपी है। अब एक उनकी माता जी का एक पत्र है जो मेरे पास है यहाँ इस फोन में, ये आप सब लोगों को सुनना चाहिए उन्होंने क्या लिखा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको खूब आनंद आएगा, क्योंकि आप आनंदित तो हैं ही, और आनंद आपको पेश करते हैं, स्पेशली शोषित वर्ग के लोगों के लिए। दलित होना सबसे बड़ी सजा है इस देश में। मेरी पुत्री उम्र 22 वर्ष लगभग को दिनांक 8/12/2021 को उन्नाव जिले के एक बाहुबली एवं किसी पार्टी के राज्य मंत्री फतेहपुर फतेह बहादुर सिंह के पुत्र अरुण कुमार सिंह और रजोल सिंह के द्वारा अगवा कर लिया गया। मैं रोज नाक रगड़कर अरुण से अपनी पुत्री वापस मांगती हूँ, तो रोज यही कहते हैं कि तेरी पुत्री से अभी मेरा मन नहीं भरा है, कुछ दिन में मन भर जाएगा, वापस कर दूंगा, तेरी बेटी बहुत मस्त है, बाद में लौटा दूंगा। मेरी सुनवाई थाना पुलिस एवं जिला के आला अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही है, मुझे डर है कि मेरी बेटी के साथ कहीं अनहोनी ना हो जाए। मैं गरीब दलित महिला हूं, कृपया आप सब लोग मेरी मदद कर एवं पुत्री को इस वैसी दरिंदर से वापस करवाएं। एक माँ ये पत्र लिखती है, और रजोल साहब को कमन नहीं भरा है अभी। रजोल जी को उस बेटी में बड़ी इच्छा है, उनमें बड़ा जो आनंद है, तो वो कह रहे हैं कि वो बड़ी मस्त है, जब उनका मन भर जाएगा वो भेज देंगे। अब ये बेटी, आज इसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी इस दुनिया में नहीं है। जब मुझे पता लगा बड़ी तकलीफ हुई, मैंने उसके पिता से बात की, पिता पोस्टमार्टम चाहते हैं पैनल के द्वारा, पुलिस अपनी जांच कर रही है, कौन जिम्मेदार, रजोल सिंह उसके साथी या पुलिस या हम सब लोग, कौन जिम्मेदार है। ये जो सिस्टम है इसमें जो कानून व्यवस्था है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या वो SI जो जांच कर रहे थे, जिन्होंने
एक महीने तक रिपोर्ट नहीं लिखी। वो SHO जिनकी आंखों के सामने होता रहा, वो CEO जिनके जानकारी में सब होता रहा, कौन जिम्मेदार है? क्या अगर पहले दिन रिपोर्ट लिख के रजोल सिंह को बुलाया गया होता, उससे बेटी का पता किया जाता, तो उसकी बेटी की उस बेटी की जान बच जाती। कैसे पाली होगी उन्होंने, भूखे प्यासे रह के, गीले सूखे में रख के, उसकी माँ ने क्या क्या सपने देखे होंगे। रजोल साहब को का मन नहीं भरा है। जो लोग टिप्पणियां करते हैं कि चंद्रशेखर तो मुकदमे करवा देते हैं, चंद्रशेखर तो मैं आपसे पूछ रहा हूं यार, एक महीना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, एक महीने के बाद एक और महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लड़की की माँ न्याय के लिए आत्महत्या, मेरे मुकदमे उनसे तो अच्छे हैं यार, वो उसकी माँ भी मरना चाहती है। क्या बहनों के सम्मान के लिए चूड़िया पहन के घर बैठ जाएं? फिर आज उस बच्चे की लाश मिली है, मैं क्या करूं? राजनीतिक रूप से अपना काम करता रहूं या उनकी मदद करूं? फैसला आप कीजिए। देखिए, मैं राजनीति को डॉक्टर अंबेडकर कह के गए, मैं मानता हूं उसमें ताकत है, ताकत के दम पे, सत्ता के दम पे ये हुआ। ये बीजेपी का राम राज्य है जिसमें पिक्चरों जैसी कहानियां होती है, पुलिस नतमस्तक होती है, नेताओं के चौखट पे जो है पुलिस खाकी जो है वो दम दम तोड़ देती है, रिपोर्ट नहीं लिखती है। यही अगर करने वाला कोई दलित समाज का व्यक्ति होता तो क्या होता? अरुण वाल्मीकि, अब अगर आपको याद हो, लोहा मंडी आगरा, 25 लाख की चोरी के आरोप में 40 लोग गिरफ्तार किया गया, 30 दिन की जच्चा थी उसकी पत्नी, अरुण की तो पीट पीट के हत्या कर दी गई, लेकिन 30 दिन की जच्चा थी उसकी पत्नी, उसके बदन पे भी कोई जगह नहीं थी जहां उसको पीटा ना गया, उसके कुंडल तक छीन ले गए, ये है पुलिस। लेकिन 62 दिन में वो बच्ची नहीं मिली। अब बहुत परेशान होते हैं ना, मुकदमे करवा देते हैं। सर आप मुझे बताओ, कानून व्यवस्था कहाँ है? क्यों न्याय नहीं हुआ? अगर कानून व्यवस्था है, संविधान है, तो क्यों उस परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ? क्यों उस बेटी की जान गई 62 दिन बाद? और ये सिस्टम और ये नेता क्या कर रहे थे? क्या आज भी हम लोग कीड़े मकोड़े हैं? हमारी जान का कोई मोल नहीं, हमारी बच्ची के सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या आज भी हम अपने न्याय के लिए हमें आंदोलन करने पड़ेंगे, उसके एवज में हमारे खिलाफ मुकदमे होंगे? अभी मेरी वहां के हमारे जिला अध्यक्ष से बात, उनका कहना है कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, पुलिस उनके परिवार को परेशान कर रही है, पुलिस कह रही है इसमें मत घुसना, पुलिस उनके घर पे, दोनों घर पे पहरा लगाया, पुलिस कह तो राशुका लगा के जेल भेज देंगे। अब आप बताए मैं क्या करूं? रजाई में छिपके घर में बैठ जाऊं, या उस परिवार की जो उम्मीद है, उस परिवार ने अभी एक वीडियो में कहा कि हम अपने बेटे चंद्रशेखर से कहते हैं कि वो आके हमें न्याय दिलाए। पुलिस और प्रशासन के लोग कहते हैं कि आप मत आइए वरना तो माहौल खराब हो जाएगा। उन माँ बाप से कैसे आंख मिलाएं सर, बताइए। उसकी माँ थाने कचहरी के चक्कर काटती रही, अधिकारियों के चक्कर काटती रही, बड़ी मुश्किल से SSP साहब से मुलाकात हुई, तब जाके जांच वांच आगे बढ़ी। एक दो तीन करेक्टर हैं उसमें जिनके बारे में भी आपको बता दूं, जानना चाहिए आपको। वो उस घटना की जांच करने वाले दरोगा जी जिनके पास बेटी की माँ जाके तहरीर देती रही, प्रेम नारायण दीक्षित जी, उस थाने के इंचार्ज अखिलेश पांडे जी, सब जी वाले मान्य मान्य लोग हैं, और कृपा शंकर जी CEO साहब। जब आरोपी को इतनी खुली छूट हो, जब कानून व्यवस्था सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाए, ताकतवर लोगों के नतमस्तक, तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या करे? इस सत्ता के दम पे हमारे लोगों का दमन किया जा रहा है,
देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे लिए राजनीति सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट है जिससे मेरी पहचान है। मैं प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को ये चेतावनी समझिए, ये मेरी अपील समझिए। परिवार से मेरी बात ही, वो चाहते हैं कि पोस्टमार्टम पैनल से हो, वो भी लखनऊ में। मैं इस घटना की सीबीआई जांच चाहता हूँ, उस एसएचओ के खिलाफ, उस सीओ के खिलाफ, उस दरोगा के खिलाफ सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने न्याय को बाधित किया, उस बच्चे की हत्या के दोषी जितना वो रजौल सिंह है उतने ये लोग भी, अगर ये समय पे काम किए होते, इन्होंने अपनी ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कर्तव्य को निभाया होता तो शायद आज ये दिन नहीं होता। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, पुलिस प्रशासन, वहां के एसएसपी जो हैं, इस राम राज्य से हमें बचाएं और उस एसएचओ को, उस दरोगा को, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। मैं हंगामा नहीं चाहता हूं, लेकिन अपनी बहन के केस में था, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ भी नहीं होने दूंगा। मुझे न्याय चाहिए। मैं 2 दिन का समय सुनिश्चित करता हूं, ये 2 दिन में प्रशासन और पुलिस को देता हूं कि वो सुनिश्चित करे कि न्याय संभव हो। मुख्यमंत्री जी को देता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिनको सिर्फ चुनाव लड़ना है, सत्ता का दुरुपयोग करना है, उनको देता हूं कि आप खैर खबर लें। 2 दिन आपके, 3रा दिन मेरा। 2 दिन में मैं, मेरी राजनीति यही कि जब किसी को जरूरत हो मेरी, मैं खड़ा हूंगा वहां। मैं उस माँ को, उस पिता को बेटा बन के उनकी मदद करूंगा, उनका विश्वास को मजबूत करूंगा, उनको न्याय दिलाऊंगा, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। देखिए ना कितनी अच्छी स्टोरी है, ताकतवर व्यक्ति गरीब की बेटी को उठा ले जाता है, वो उसको, उसकी माँ को कहता है मेरा मन नहीं भरा है, जब मन भरेगा भेज दूंगा तेरी बेटी, मस्त है। एक ऐसी कहानी मैंने आजमगढ़ में सुनी थी, इसमें एक सीओ साहब कहें कि छोटी जात की महिलाएं जो है मजा देने के लिए होती है। कितनी बार मैं अपने अंदर को जो है उसको घोट दूं, अपने अपने जो दिल में जो आग उठती है उसको कितनी बार दबा दूं, क्या करूं। इसीलिए मैं अपने लोगों से कहता हूं कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो। नेताओं को चुनाव लड़ने हैं, नेताओं के लिए चुनाव माहौल है, मेरे लिए कोई माहौल नहीं है। मुझे सिर्फ यही आता है, 2 दिन कप्तान साहब, डीएम साहब, मैं आपको देता हूं, 3रा दिन मैं आपको नहीं दूंगा। मेरी नफा नुकसान हो चुनावी, मेरा समय का वो हो जाए, लेकिन आज उस परिवार को मेरी जरूरत है, उनकी मांगों को मानिए, न्याय दीजिए, इसकी सीबीआई जांच कराइए, उस दरोगा इंस्पेक्टर सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर 13 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद, फिर मैं उन्नाव जाऊंगा उस परिवार के पास। आप अपनी सारी फोर्स लगा लेना, मैं उस माँ के आंसू पूछने, उस पिता के आंसू पूछने, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए जाऊंगा। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, लाइव आने का मकसद ये था कि मुझे खबर ये है कि पुलिस जबरदस्ती जो है पोस्टमार्टम करा सकती है, जैसे हाथरस में कराया था। पुलिस जो है जबरन जो है पोस्टमार्टम करा के और अंतिम संस्कार करा सकती है। पुलिस परिवार को डरा सकती है, धमका सकती है, किसी तरह से तोड़ने का प्रयास कर सकती है। तो मैं बस आपसे बता रहा हूँ हाथ जोड़ के कि अभी उसका भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदा है, अभी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी है, अभी उस माँ का बेटा जिंदा है, अभी उस पिता का बेटा जिंदा है। आप उन्हें कमजोर ना माने, आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक व्यवस्था में उनको निचले पायदान पे कमजोर वर्ग में बनाया गया, शोषित वर्ग बनाया गया, लेकिन वो शोषण सहने के लिए नहीं। आजाद भारत पिक्चरों जैसी स्टोरियां देखने को मिल रही है, ये है रामराज्य, उत्तर प्रदेश की सरकार का की कानून व्यवस्था, ये है बड़े बड़े नेताओं के आगे सत्ता, खाकी का दमन, खाकी का घुटना टेक रवैया। मैंने पहले भी कहा, अगर ये किसी शोषित पीड़ित द्वारा किया गया होता तो उसके परिवार के खाल खींच के फूस भर देती पुलिस, उसका मकान गिर जाता, बुलडोजर गिर जाता। मैं भी देखना चाहता हूँ बाबा जी का बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा। मुलाकात होती है 13 तारीख को उन्नाव में आपसे। प्रशासन के लोगों को, मेरे जिलाध्यक्ष को और वहां की टीम को डराना बंद कीजिए, अपना काम कीजिए। आप अच्छा काम करेंगे तो शायद
अच्छा काम करके दिखाएंगे, शायद मैं ना हूं। लेकिन अगर आप आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो फिर मैं भी आऊंगा और आमना सामना भी होगा। मैं संवैधानिक रूप से लड़ता हूं और प्रशासन पे भरोसा करता हूं, और ये समझता हूँ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिके नहीं, जिनका जमीर जिंदा है। आप सबके यहाँ पे बहन बेटियाँ हैं, अगर बहन बेटियों के साथ इस तरह ही बहन बेटियाँ अगवा होंगी और उनके साथ इस तरह से ही हत्याएं होंगी, उनके शरीर को इस तरह ही वैश्यों द्वारा गुंडों द्वारा नोचा जाएगा, तो कौन बहन बेटी सेफ रहेगी? मैं भक्तों से भी कहना चाहता हूं, कैसे मिलेगा न्याय भाई? मांगने से या इंतजार करने से? कहना आसान है, कभी भीम आर्मी के लोग जिंदगी जी के देखे तो एहसास हो जाए शायद कि वो अपनी परवाह नहीं करते, वो अपने समाज की परवाह करते हैं, बहुजन समाज की परवाह करते हैं। उनके लिए जेल जाते हैं, मुकदमे झेलते हैं। आपको सिर्फ चुनाव लड़ना होता, आपके नेताओं को सिर्फ चुनाव लड़ना होता, उनको सिर्फ चुनाव में समाज याद आता है, बाकी 5 साल नहीं याद आता है। मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी तकलीफ अपने लोगों से, जितना जल्दी वो समझ जाएं कि सत्ता के दम पे ये अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है और सत्ता के दम से इसको खत्म किया जा सकता है। आज मैं सभी से शिकायत नहीं करूंगा, बस खुद से शिकायत है कि अब ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये अभी भी हो रहा है। मेरा प्रशासन से आखिरी बार ये निवेदन है, इसको आप याद कर लें। परिवार जो चाहता है उसकी पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हो, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी सीबीआई जांच करके उनके ऊपर उसकी पूरी जो जो लोग उसमें शामिल है सब पे कार्रवाई हो। उस दरोगा जिसने न्याय को प्रभावित किया, उस एसएचओ और सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और एक और बात, अगर उसकी माँ भी जिसने उसने आत्महत्या पर वो भी मर जाती तो शायद मामला दबे जाता। तो हमारे लोगों को न्याय मांगने के लिए मरना पड़ता है, आर्मी के लोगों को तो सिर्फ मुकदमे होते हैं। ये हालात है उत्तर प्रदेश के राम राज्य की और कानून व्यवस्था की। जय भीम, जय भारत। मैंने ये आप सबको इसको बताया कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में पता लगे कि आज भी जहां बात करते हैं 4 बार मुख्यमंत्री 5 बार मुख्यमंत्री, आज भी ये हालात हैं। ये अब चलेगा नहीं, सरकार न्याय संगत कार्रवाई करे, आरोपियों का संरक्षण करना बंद करे। 2 दिन का समय आपका, 3रे दिन का मेरा। जय भीम, जय भारत। मैं अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ, याद रखिएगा।